मनुष्य की इच्छा होती है कि मैं परमात्मा से मिल जाऊं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरी इच्छा थी मैं फोर्ड ले आऊं। ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस ऐसी, तेल की एवरेज और बाई। अच्छा जी। वो कह रहा ना गोड्डा गोड्डा बान है, और गांव में बनी है कि दुकान मशहूर होनी चाहिए। जयपुर का नजारा और फोर्ड का ओकारा किसे किसे देखने को मिल रहा है। इसने जो बताया था, मैंने अपना ट्रैक्टर जैसे मैंने अपने बेटे पाले है ना, औलाद की तरह ट्रैक्टर को रखा है। वो एक कहावत है बहुत गजब की, के बादड़ी जिसा काज नहीं और भटगाम जिसा ब्याह नहीं और मैं फोर्ड जिसी शान नहीं। वाह जी वाह। एक दूसरी बात यह है, फोर्ड की कारीगरी और हमारे पुराने खातिया की कारीगरी का मुकाबला को ना जाके देख लो। गाँव में पुरानी हवेलियाँ बिल्कुल जी बिल्कुल आज भी किस तरह से खड़ी है। इसलिए मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ अपने बुजुर्गों की निशानी जीवित रखने के लिए। हमारी संस्कृति जो है ना, लोग कहते तो हैं पर करके नहीं दिखाते। जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना, तब तक ये संस्कृति जिंदा नहीं होगी। मैं आस पास 20-25 एकड़ है। मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा भाई, आप लग जाओ IAS अफसर। बिल्कुल जी। आप बन जाओ MLA। बिल्कुल। लेकिन जो बुजुर्गों की निशानी, जो उन्होंने अपना खून पसीना बहा के गंठा रोटी खा के जो धरती माँ डाटी, बिल्कुल इसकी रक्षा करो। एक तो इसको बेकने मत दो, दूसरा इस जमींदारी से जुड़े रहो, वरना इतना भयंकर रूप इसका जनसंख्या होता रहा, अन्न कहाँ से मिलेगा। गौ माता का उपकार और फोर्ड की गाड़ी और फोर्ड ट्रैक्टर से प्यार। वाह जी वाह। ये जीवन के तमन्ना है, जीवन की तमन्ना थी, तीनों चीज अपने पास मौजूद है। उपकार और फोर्ड की गाड़ी और फोर्ड ट्रैक्टर से प्यार। वाह जी वाह। ये जीवन के तमन्ना है, जीवन की तमन्ना थी, तीनों चीज अपने पास मौजूद है। अच्छा अच्छा। मतलब फोर्ड का ट्रैक्टर और फोर्ड की गाड़ी, फोर्ड की कार भाई, ये इको स्पोर्ट्स जो आती थी, और गौ माता का उपकार। बिल्कुल, ये चीजें थी तीनों चीज। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये तीनों फोर्ड का मतलब शुरू दिन से है, मजा है, अलग है। बिल्कुल। अच्छा जी, चलो जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे ये वाली बात, बहुत बढ़िया लगी जी। आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा, दिल की गहराइयों से आपके लिए बहुत बहुत प्यार। आपके सभी दर्शकों को और जितने भी भाई इस वीडियो को देखेंगे, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, डार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भैया फोर्ड 3610 ट्रैक्टर है, 1994 मॉडल। आज इस वीडियो के अंदर आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा, और सबसे बड़ी खास बात यह है, जो इस ट्रैक्टर के ओनर है दिनेश जी, वो बड़े ही अच्छे आदमी इंसान है भाई। जैसे एक हास्य प्रोग्राम अपना, उसके बारे में बताऊँ, इन्होंने उसके अंदर भी काम कर रखा है, बहुत कुछ इनको इतिहास के बारे में पता है सारी चीज़ें। और इन्होंने फोर्ड ट्रैक्टर जैसे भाई आज 2022 में ट्रैक्टर लेकर आए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, ये सारी बातें पता करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगे आपको, ट्रैक्टर चला के भी दिखाएंगे। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दो जी। बेसिकली मेरा नाम दिनेश कुमार है, गांव खुंगाई, जिला झज्जर के अंतर्गत ये पड़ता है। और ये ट्रैक्टर, अच्छा अच्छा, ये ट्रैक्टर आप जैसे कौन सा मॉडल है जी? ये ट्रैक्टर है जी 1994 मॉडल। 1994 मॉडल। आप नया लेकर आए थे क्या? ना जी, मैं पुराना खरीद कर लाया था। अच्छा। वो एक कहावत है बहुत गजब की, के बादड़ी जिसा काज नहीं और भटगाम जिसा ब्याह नहीं और मैं फोर्ड जिसी शान नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब ये दिमाग में जो कहावत, पुरानी कहावत है, वो सोचते हुए दिमाग में लेते हुए आप ट्रैक्टर लेकर आए हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। कब लेकर आए हो आप ये ट्रैक्टर? मैं अभी 2.5 साल पहले लेकर आया हूँ जी। 2.5 साल पहले। मतलब 2020 में आप ये ट्रैक्टर लेकर फोर्ड, तो मतलब ऐसा कारण क्या था भाई, जैसे फोर्ड लेकर आना आपने, दिमाग में था कहीं, दिल में था? दिल में बचपन से तमन्ना थी। मैं प्रदीप जी आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, हमारे बुजुर्गों ने गांव में तीसरे नंबर पर ट्रैक्टर लिया था 1963 में। 1963 से ट्रैक्टर रख रहे हो? हाँ, DT14 बैल भी रखा करते साथ, लेकिन ट्रैक्टर भी था 1963 से। बीच में परिवार अलग होया तो हमारे पास ट्रैक्टर नहीं रहा। मेरे अंदर एक चीज रहती थी कि मैं आता हूँ ना, घर खाली खाली लगता है।
लेना फोर्ड था, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में था फोर्ड, मतलब फोर्ड में ऐसी क्या खास बात थी वो थोड़ा बताओगे उसके बारे में। फोर्ड में खासियत ये है, और पुराने वक्त में जो तगड़े जमींदार होते थे ये मंत्रिया की पर्ची तो मिल करता, और बबू टेनो का अर्थ मंत्री की पर्ची तो लेकर जिसके अच्छे लिंक थे मंत्री की पर्ची लेकर जब यो ले आ करते, मतलब इसको वीआईपी चीज मान्या करते, वीआईपी आदमी नहीं मिला करता, वो भी मुश्किल तर वो भी बिल्कुल। अच्छा, इसे कारण फोर्ड का जैसे कार थे वो घर में खड़े रिश्ता अपने आप हो जाएगा पक्का, जिसका फोर्ड 3600 दी गया ना गम अबू जाए नहीं करते, यो केस है। अच्छा अच्छा, या यो राज है इसके पीछे, इसके पीछे राज है यो। और ट्रैक्टर एक दूसरी बात यह है, फोर्ड की कारीगरी और हमारे पुराने खाचिया की कारीगरी का मुकाबला को ना, जाके देख लो गाँव में पुरानी हवेलियां, बिल्कुल जी बिल्कुल सही, आज भी किस तरह से खड़ी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रैक्टर इस चीज में है, बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप ये बात तो। और शौक का कोई मोल नहीं होता जी, नहीं शौक का कोई मोल नहीं इसमें। और एक और चीज देखो ना, आज आपकी उम्र कितनी होगी होगी जी? मेरी 49 साल उम्र है। 49 साल होगी तो आप हमारे 47 साल की उम्र में आप ये ट्रैक्टर लेकर आए हो, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात थी भाई पिंच कराया करते लेना था फोर्ड लेना ट्रैक्टर रखे, लेकिन हमने फोर्ड नहीं रखा था, फोर्ड मेरे दिल की इच्छा थी। मैं एक बार अपने दादा से लड़ाई भी कर बैठा था जब नया ट्रैक्टर लाए थे हमें, ये 1992-93 की बात होगी, मां दादा फोर्ड ले लो, मैं बंद होगा नहीं मतलब फोर्ड ले लो, बोला ना भाई घने पैसा का हो मारा ब्योत को। अच्छा, उस टाइम भाई फिर आपकी चल नहीं थी, वो भी आप बालक थे। हम बालक थे ठीक, लेकिन मैं कहा था मेरा दादा इन गुजरे है, मां दादा फोर्ड लाऊंगा मैं इस ट्रैक्टर के 36-10 के लिए पूरा 4 साल घूमया हूँ, जब जाकर मैंने ट्रैक्टर मिल जाए। अच्छा, मतलब कोई साफ सुथरा ट्रैक्टर नहीं था, मतलब ओरिजिनल पेंट, ओरिजिनल बिल्कुल ट्रैक्टर चाहिए जी, ओरिजिनल चीज मुझे मिली, और इसका जो मालिक था वो भी तगड़ा जमींदार था। अच्छा जी, ये नहीं कि बहुत कम चला हुआ, बोला भाई याद नहीं है इसका मीटर बंद हो गया, मैंने दोबारा चालू नहीं करवाया। ये ट्रैक्टर इतना चल रहा है, और उसके पास 40 किले थे, 40 एकड़ में एकला ट्रैक्टर था, एकला ट्रैक्टर था, उसने कदे दूसरा ट्रैक्टर नहीं लिया, दूसरा ट्रैक्टर उसके छोरा ने जो है बेकवा दिया, बोला भाई मैं तो बेचू भी नहीं है। 40 एकड़ में उसने इतना कमाया इस ट्रैक्टर, बहुत कमाया उस ट्रैक्टर इसने, जमींदार बेचारा दुखी तो होया होगा जी बेच के। उसका जो पिताजी था वो बड़ा मायूस होया था, लेकिन उसने बोला बेटा तू रख कर, माता रखूंगा बेचू को ना, इसलिए जो उसने मेरे को ट्रैक्टर दे दिया, ले जा बेटा। उसने भी आदमी जैसे ये देख के दिया, बाकी भी शान रहेगी ट्रैक्टर की, ये नहीं कबाड़ में नहीं जागा ये। मगर आप कदे देखा देखना जियो, ट्रैक्टर नहीं बेचा पाओगे, मैं अपने छोरे से भी कह के मरूंगा भाई ट्रैक्टर मत बेच दिए। ठीक ठीक, नहीं जी देखो एक दिल की तमन्ना होती है अपना, आराम तो बढ़िया है भाई, अच्छी चीज है। और भाई आपकी भी तमन्ना थी वह फोर्ड ले आओ, और उस बंदे की भी तमन्ना थी जिसने दिया है, अगर फोर्ड किसी ऐसे आदमी को दो जिसकी संभाल रखा है। मनुष्य की इच्छा होती है कि मैं परमात्मा से मिल जाऊँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, तो मेरी इच्छा थी मैं फोर्ड ले आऊँ। चलो जी, इच्छा पूरी होगी, बिल्कुल ईश्वर जो शक्तिशाली है, एक दिन अगर आप सही कर्म पर चलोगे सही काम करोगे तो आपकी इच्छा हर अवस्था में पूरी करेगा, आपको मौका देगा, आप करो ना करो वो आपके ऊपर है। बिल्कुल सही कह रहे जी ये बात तो। और थोड़ा एक वो और बता दो आप, जैसे कौन से उसमें नाटक में प्रोग्राम करेगा धर्मे का? अच्छा, कौन बात धर्मे? हाँ, मुकेश दिया है। हाँ जी, तेजा रोल मैंने उसमें किया है, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, पुराने जानकार हैं, अच्छा बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उसमें मैंने काम किया कई एपिसोडों में, अब भी फिर बुलावा रहा है, मैं फिर जाऊंगा, ये लॉकडाउन की वजह से कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाया, वो बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था सिस्टम। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, आपने जैसे वो काफी मशहूर है जी धर्माकुंभ बेगा तो, हाँ, प्रोग्राम बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने उसमें काम कर रखा है। चलो बढ़िया जी, आपने बड़ी अच्छी भूमिका निभा रखी होगी उसमें भी। और इसलिए मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ अपने बुजुर्गों की निशानी जीवित रखने के लिए। हमारी संस्कृति जो है ना, लोग कहते तो हैं और करके नहीं दिखाते, जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना तब तक ये संस्कृति जिंदा नहीं होगी। मैं आज भी धोती कुर्ते में, मैं एक पेशेवर जो है असिस्टेंट डी ऑफिस गुड़गांव में कार्यरत हूँ। अच्छा जी, और नौकरी सरकारी नौकरी में, नौकरी तुम्हारी तीसरी चौथी पीढ़ी करी, मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा जी, हाँ राम सिंह जी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया था, लेकिन जमींदारी का शौक आज भी है। देखो जमींदार तो इंसान के साथ जुड़े रहे भाई, जमींदार जो वर्ड हो गया ना, चाहे नौकरी कर लो चाहे कोई कहीं विदेश में चले जाओ, पर जमींदारी में वो चीज रव है। मेरे पड़ोस में भी है एक बंदा, मलिक शाह बैसवाल जी बैसवाल के हैं, वो बंदा भी यही कह रहा है, बोले यार देखा आज हमारे पास जो मुंह में चाहे वो निकाल लें, पर बोले जब ट्रैक्टर घर में नहीं होगा ना, हाँ। तो बोले फॉर्चुनर भी है, पर बोले ट्रैक्टर बिना मजा आता ही नहीं घर में। मैं इसको जद्दर लेकर गया, मेरे को कम से कम भी 4 आदमी 4-5 आदमी रोक क्या बालक थे, तऊ ट्रैक्टर बेचे है अंकल जी, ट्रैक्टर बेचो हो, मगर नहीं भाई बिक्री के लिए नहीं है,
देख लो तुम चला के देखो, शान है। आपने जैसे ट्रैक्टर जैसे सुना था, जैसे आपने देखा था, अब आप ले आप तो आपको खुद मालिक हो गए इस ट्रैक्टर के। हाँ, हाँ। तो आपने ट्रैक्टर चला के देखा, तो ट्रैक्टर ने कैसी परफॉर्मेंस दी फिर? ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस ऐसी, तेल की एवरेज और बाई। अच्छा जी। वो कह रहा ना गोड्डा गोड्डा बहन है, अरगाम बनी है की दुकान है, मशहूर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे जी ये बात। तो भाई गोड्डा गोड्डा बहन बता दे किसी भाई का शक हो, मैं जो है 14 की एरो रखता हूँ, नोका कल्टीवेटर। ठीक है, बस इसे ट्रैक्टर भी नहीं टूटे और अपना काम भी हो जाए बढ़िया तरीके से। और ये जो ट्रैक्टर को मॉडिफाई करना एक शौक के तौर पे भाई, जैसे फिल्मों में देखना वो अलग चीज है, लेकिन जमींदार के लिए जो इंजीनियरों ने चीज बनाई है उसी का पालन करें, उसी के अनुसार ट्रैक्टर में मतलब जो है बदलाव ना करें, तो ट्रैक्टर जो है कभी बूढ़ा नहीं हो जाए। नहीं जी, मशीन बुढ़ी नहीं होती, तो इंसान बुढ़े हो जाए। बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर हैं जिन्होंने बस जिंदगी भर चलेगी, बंदे ने बंदे बुढ़े हो गए पर मशीन ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। वो एक पुरानी बात भी है कि घोड़ी बुढ़ी ना हो अगर सवार बुढ़ा हो जाए अगर। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, यह बात है। अरे आज मौसम कितने गजब का हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी मौसम। ये बात भूल गए लोग, ऊंट जवा सागरी चौथा गाडी वान, जुजू दी खबादड़ी तुजू तज प्राण। वाह जी वाह। आपने काफी अच्छी जैसे कहा होते हैं, काफी अच्छी जैसे आपसे मिला मैं। हाँ हाँ। तो जैसे फोन पर जो बात हुई, फोन पर तो फिर भी 10% बात हुई थी सारी। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ आप तो मिला ना, तो एकदम बिल्कुल रूप पर निरालाल मिला आपका, तो बिल्कुल अच्छे। हाँ एकदम वाक्य में जमीन से जुड़े हुए और पूरा इतिहास की नॉलेज रखना सारी चीजों का। जो नौकरी पेशा हमारे बच्चे करते हैं, अच्छे अच्छे जमींदार भी जिनके आस पास 20-25 एकड़ है, मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा भाई, आप लग जाओ IAS अफसर। बिल्कुल जी। आप बन जाओ MLA। बिल्कुल। लेकिन जो बुजुर्गों की निशानी, जो उन्होंने अपना खून पसीना बहा के गंठा रोटी खा के जो धरती मां डटी, बिल्कुल इसकी रक्षा करो। एक तो इसको बेकने मत दो, दूसरा इस जमींदारी से जुड़े रहो, वरना इतना भयंकर रूप इसका जनसंख्या होता रहा, अन्न कहां से मिलेगा। अब लॉकडाउन में लोगों को आंख बना तो दी। हाँ। लोगों ने दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में खूब महलों में रह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में सब गाँव में भागे। अभी मैं इधर गया था अपना रेवाड़ी से, रेवाड़ी साइड में, तो एक गाँव में ऐसे ट्रैक्टर था उनके पास मेसी। तो वो बंदे बता रहे भाई लॉकडाउन के बीच में गया, जब लॉकडाउन लूज हुआ थोड़ा सा, तो बोला ये बंदे जैसे मेरे लड़के जो उनके अपने परिवार के कुछ बच्चे वजह से गुड़गांव रहा करते, तो बोला गुड़गांव में लॉकडाउन में इतने परेशान हो गए थे, जैसे तैसे करके वो यहाँ गाँव में आए। बोला आज भी गाँव में रहने लग रहे हैं, वो बहुत बड़ी हेली थी उसमें, बोले अपने यहाँ रह रहे हैं वो आराम तो बढ़िया मजे रह रहे हैं। बोला वो कह रहे बोले हम गुड़गांव जाओगे नहीं, छुट्टी होंगी सीधे अपने यहीं रहा करेंगे। वो चीज़ें हैं ना, जैसे लोगों को ना एहसास हुआ है इन चीज़ों का जो छोड़ के चले गए थे। हकीकत में देखो जमीन से जुड़ा रहना चाहिए आदमी ने, ये चीज़ें हैं। मातृभाषा और जन्मभूमि कभी नहीं भूलनी चाहिए आदमी ने। बिल्कुल सही कह रहे हो जी ये बातें। एक चीज़ और बताओ, ट्रैक्टर जैसे पूरा ओरिजिनल है? देखो जी मैं लेकर आया हूँ। हाँ, जो उसने बताया था। हाँ, आके झूठ बोल दूं? नहीं जी नहीं, जो आपने बंडल मार दे हैं। बिल्कुल मार दे जी। जो उसने बताया था भाई इंजन आज तक न्यू का यूं है। हाँ, हाँ, और ये पेंट जो है ओरिजिनल है। ठीक, अगले ने बताया था भाई। हाँ, उसके तथ्यों के आधार पर आप कह रहे हो कि ओरिजिनल है, मुड़गाड़ जरूर इसके बदलवा रखे हैं। अच्छा, मुड़गाड़ उसने बदलवा दिए। देखो 40 एकड़ में चला होगा तो जी, देखो मुड़गाड़ तो हिल जाने चाहिए थे। हाँ, क्योंकि काम बहुत ज्यादा कर रहा था, बहुत काम करता था। ट्रैक्टर पूरा जैसे आप बता रहे हो, ट्रैक्टर पूरा ओरिजिनल है, खूब इसने काम किया है, उसके हिसाब से ट्रैक्टर में जैसे देख कर लगता नहीं ऐसा। हाँ जी, क्योंकि हाँ। लीकेज वगैरह कहीं कुछ नहीं, नॉर्मल ट्रैक्टर। मैंने उसने जो बताया था भाई, मैंने अपना ट्रैक्टर जैसे मैंने अपने बेटे पाले है ना, औलाद की तरह ट्रैक्टर को रखा है, तभी तो है जी। हाँ जी। और उसने भी बंदे ने जवाब बता रहे हो, जब दिया था वो मायूस हो गया था बेचारा, बिल्कुल बूढ़ा मायूस हो गया था। उसके बच्चे और उसका लड़का, वो तो बोला मन नया लेना है, वो नए के फतूर। मेरे अंदर जुनून था, मन नया चीज लेनी थी, मैं मुंह तुम पैसे मांग लो, मैं जेब में पैसे लिए हुए था पहले से। ठीक ठीक, बस तो पहले किसी ने बताया, देखा चुपचाप चोरी छुप के देखा था इस ट्रैक्टर को, उसको नहीं पता था मैं इसको लूंगा। फिर मैंने पता किया वहां पे कि भाई ट्रैक्टर बिकाऊ है, फिर तो मगा बन की बात आगे देवी मड में। आई तो मैं छोटूंगा नहीं। हाँ। ठीक है, तो एक बार इसकी ट्रैक्टर आवाज सुनाओ जी थोड़ी, एक बार आवाज सुनते हैं ट्रैक्टर की, मजेदार है। फोर्ड 3600 और 3610, उसके बाद एक थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन था। इंजन वगैरह में कुछ खास चेंज नहीं था इसका, जैसे शो वगैरह का इस टाइप का कुछ छोटा छोटा चेंज किया था कंपनी। घंटी बोला वो टन 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 टन। जय
जयपुर का नजारा और फोर्ड का ओकारा किसे किसे देखने को मिलता है। सही कह रहे हो चलो। ये देख लो ट्रैक्टर पूरा ओरिजिनल पेंट पेंट के साथ में है। कर दो बंद कर दो। आपकी बात बिल्कुल सही है जी, आपने तो दोनों चीज ले ली, जयपुर नजारा भी लिया है, राजस्थान का ट्रैक्टर ले रहे हो बिल्कुल, और अपना फोर्ड का उकारा भी ले लिया, बिल्कुल दोनों चीजों का इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मतलब जिंदगी में खुशी है। ईश्वर हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है बिल्कुल, बशर्ते वो नियम और कायदे पर चले। सही कह रहे हो बिल्कुल एकदम, नियम कायदा तो कभी तोड़ना नहीं चाहिए। झूठ की बातों पर ज्यादा विश्वास करने लग गए और लोग, मैंने वीडियो में देखा भी है, बिल्कुल है जी, हम भी महसूस कर रहे हैं कई बार। व्यक्ति ने देखो वास्तव, अब मैं ट्रैक्टर ले आया, अब मैं ये बता दूं, मैं मेरे दादा ले आए थे, उनकी निशानी है, मैंने बोल दिया आपका जज्की आप तोड़ दाड़ो मेरे लिए, बिल्कुल मिले नहीं जिंदगी में, बिल्कुल जी बिल्कुल, सिर्फ एक बार फोन पे बात हुई थी। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, हाँ ये बात सत्य है कि 1963 गांव में वेरीफाई कर सकते कि 1963 से हमारे पास ट्रैक्टर है। नहीं वो तो देखो आप झूठ क्यों बोलो, इतनी बड़ी बात है, गैप भी रहा फिर ले लिया फिर बन्यारे हो गए, ये तो समय है जी, टाइम भाई कभी इधर रहा कभी उधर रहा, इस तरीके से चलता रहा ऊंचा नीचा, टाइम तो चलता रहा, समय की तो देखो कोई कुछ होड़ नहीं हो सकती। और इसी आपने जैसे अभी इच्छाएं पूरी कर रहे हो आप अपनी इस उम्र में आकर, और एक बार ट्रैक्टर दिखा देता हूँ जी थोड़ा हमें भाई, अपना देख लो पूरा फोर्ड का, उधर मोहर भी लगी इस पर फोर्ड की, 1994 में जैसे ये एस्कॉर्ट कंपनी द्वारा बनाए गए थे ट्रैक्टर, ये फोर्ड DCM के इंजन के साथ में आता था, ये अपना डायफ्राम पंप के साथ में, और प्रॉपर तरीके से स्लिप वगैरह भी बड़ी होती थी उस टाइम पे इसकी, और स्पीड इसकी ट्रैक्टर की काफ़ी अच्छी रही है। जैसे कुछ जमींदार कह रहे हैं जैसे ट्रैक्टर ना स्पेंडल तोड़ है, तोड़ फोड़ कराया था, क्योंकि उस टाइम पे ये ट्रैक्टर ना हाई स्पीड थे, वो 3600 में शिकायत 30 में नहीं थी, 36-10 तो बात नहीं, 36-10 पता क्या था जी, जैसे जब फोर्ड आया था इंडिया में तो उससे पहले ट्रैक्टर थे स्लो स्पीड के, हाँ। तो फोर्ड था एक हाई स्पीड का, जैसे खेत के जब कोने बजाए पहले ट्रैक्टर में क्या था, रेस कम कर दो ट्रैक्टर वो बिल्कुल रुक जाया करते, इसमें क्या था थोड़ी स्पीड ज्यादा रहा थी तो तब तक घुमाता बंदा तो टायर है ना डोले डोले में लग जाता, तो इस कारण तोड़ा करता मेन, तो वो बंदा थोड़ा लेट समझ में आई वो चीज, इस कारण भी थोड़ा होगी थी गड़बड़ी इसमें। आपको एक और बता दूं, 36-10 जो है ना, हाँ जी, जो फार्म ट्रक 60 ट्रैक्टर आया, हाँ हाँ हाँ, 95 बंद हो गए, 96 मार्च में बंद हो गए, 31 मार्च को, हाँ हाँ, यामा मोटरसाइकिल RX 100, हाँ जी, और ये कंपनी फोर्ड की, इसी का 60 बनाया गया था उस टाइम, 50 था शुरू में, हाँ। फार्म ट्रक 50 आया, इसी का 60 बना, हाँ। सेम इस ट्रैक्टर का जो आपके सामने खड़ा है, 2018-19 तक भी सेम था जी, हाँ। 2018-19 तक भी फोर्ड का सेम सामान ऐसे का इंजन उसमें फोर्ड में डला था फार्म ट्रक का, तो ये नहीं कह सकते हमें फोर्ड, चलो जो भी है एस्कॉर्ट ने फिर भी चलो किसी नाम बदल कर जिंदा तो रखा चीज को, वो एक अच्छी चीज रही है। और भैया ट्रैक्टर यहाँ तो देख लो गेयरबॉक्स वगैरह DCM के गेयरबॉक्स के साथ मत था, ये खास बात है लीकेज वगैरह कहीं कुछ नहीं है ट्रैक्टर में, ये अच्छी चीज है। मुडगार्ड जैसे चेंज हो गए थे 13-6-28 के टायर के साथ में, अपना सारा प्योर ओरिजिनल ट्रैक्टर है, बाहर 3-stage A, ये जो कि स्टिक ये तो चेंज हो रखे हैं, खैर लिफ्ट वगैरह सारा से हिच वगैरह सब कुछ मज़ेदार चीज़ है। आप इसे छाँव में रखो जी ट्रैक्टर ने? बिल्कुल जी, सामने बरामदा है। अच्छा अच्छा, रखता हूँ। अच्छा सामने बरामदे में खड़ा रहा है ट्रैक्टर? बिल्कुल सामने बरामदे में खड़ा रहा है, ये भाई चाचा वाले लड़के हैं, मेरे छोटे भाई हैं, ये स्टार्ट वगैरह करते रहे। नहीं नहीं ठीक है जी, अच्छी बात और है। हमारा जो आसपास के हैं जो मतलब घर परिवार का, घर परिवार की जमीन, हाँ। इसी से जोतते हैं हम। वाह जी वाह, मतलब आज भी काम करो इस ट्रैक्टर, ये नहीं खड़ा है, दबा के काम करते, ये नहीं दबा के। अच्छा दबा के काम, भाड़े के का ऐसा कोई घर का करो बस, घर का। नहीं ठीक ठीक, अच्छी बात है, घर का काम करना बढ़िया है जी, आपसे दबा के जमींदारा करता है ये नहीं जी, मतलब इतनी धरती बाई है मैंने इस टाइप के, ऐसे किले बनाए अकादमी जो था डाकाबरू बाज के लेकर के दिखा दू उसमें। तो आप बता दे रहे थे वो के थी वो कहावत गोड्या वाहन के था जी, वो क्यों करके थी गोड्या वाहन क्यों करके कहावत बताई थी आपने थोड़ी देर पहले, वहा गोड्या वाहन, हाँ हैं, हाँ वो बादली वाला बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। चलो जो भी मतलब सही चीज आपने रख रखी संभाल के, पीछे ये भी लगा रखा है बता के मुडगार्ड की स्टेबिलाईजेशन बढ़ी रहे, मुडगार्ड की लाइफ भी बनी रहे इन चीजों से, ये चीजें जरूरी है, बंदा बैठ भी जाए सामान भी रख ले अपना और साथ में मुडगार्ड की लाइफ भी बनी रहे इस चीज से। अब ट्रैक्टर चला के भी दिखाओगे आप लोगों ने ये थोड़ा सा, और चलो जी थैंक यू जी, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बड़ी अच्छी चीज़ आपने संभाल कर रख रखी है ट्रैक्टर की। और भाई जैसी भी वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना, थैंक यू दोस्तों।